हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है टेक्सचर आर्ट के ऊपर है और हम इस टेक्सचर आर्ट को ओम के ऊपर करेंगे, जिसको मैंने कैनवास के ऊपर लिया है करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे तीनों कलर लिया है, सिर्फ तीन कलर से मैंने यहाँ पे लिया है और जो मुझे बहुत ही डिसेंट लगे। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे कैनवास लिया हुआ है, कोई भी साइज़ का आप ले सकते हो, उस हिसाब से आप साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 8x10 का कैनवास लिया है। सबसे पहले आता है आउटलाइन। किसी भी ड्राइंग को करने से पहले या फिर किसी भी पेंटिंग को करने से पहले आप आउटलाइन कर लीजिएगा, आउटलाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। एंड मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके ऊपर जैसे जैसे आपके आउटलाइंस हैं उसको देख के आपको ध्यान से फिल आउट कर लेना है। इसका सबसे इजी तरीका ये है कि जो बॉर्डर्स हैं आपका, जो आउटलाइंस आपने बनाया होगा उसका जो बॉर्डर्स रहेगा, पहले उसके ऊपर आपको जो टेक्सचर रेसिपी है उसको आपको फिल आउट करना है। एंड जो उसके अंदर रहेगा राइट, जो अंदर का जो पार्ट रहेगा राइट, तो उसके ऊपर आपको फिल आउट कर लेना है। एंड देखिए बहुत ही स्पीड मैंने कर लिया है वीडियो को, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट। तो जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, एंड कुछ टाइम के लिए उसको आपको ड्राई करने के लिए रख देना है। जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपको सबसे पहले बेस के लिए आपको यूज़ करना है, मैंने यहाँ पर लिया है वाइट कलर एज ए बेस, क्योंकि वाइट कलर जब आप लेते हो सबसे पहले तो उसके ऊपर जो भी आप कलर्स ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा निखर के आएगा ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है वाइट कलर, देन उसके बाद जो भी आप कलर्स, यहाँ पे दो कलर्स उसके बाद मैंने लिया हुआ है येलो एंड रेड, आप उसके साथ जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन करके आप देख लो, एक्सपेरिमेंट करके जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर सबसे पहले मैंने अप्लाई किया एंड कैनवास के ऊपर भी मैंने साथ में अप्लाई किया हुआ है। चलो तो फटाफट देख लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद उसके बाद कलर जो हम यूज़ करेंगे उसका क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले टेक्सचर आर्ट के ऊपर मैंने अप्लाई किया और टेक्सचर आर्ट को पूरा वाइट कलर से आपको पूरा कवर करना है एंड कैनवास को भी आपको अच्छे से करना है कवर अप, क्योंकि उसके बाद हम जो बैकग्राउंड में जो भी कलर्स लेंगे वो आपका निखर के आए राइट। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रख दिया है और इसको आपको ड्राई होने के लिए रख देना है। लगभग जो हमारा बेस कलर है वो ड्राई हो चुका है जो कि वाइट कलर था राइट। इसको ड्राई करने के बाद हम दूसरा जो कलर है उसको हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। मैं यहाँ पे उसके बाद दो ही कलर यूज़ किए हुए हैं, ओम के ऊपर मैंने लिया हुआ है रेड कलर एंड जो बैकग्राउंड रहेगा वो येलो रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कोई भी डिफरेंट कलर से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो हमारा बेस कलर था वो लगभग ड्राई हो चुका है, तो अब बारी है नेक्स्ट कलर करने के लिए। हमारा जो टेक्सचर आर्ट है ओम के ऊपर हम लेंगे येलो कलर, तो फटाफट से इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए मैंने लिया है येलो कलर एंड उसके बाद हम लेंगे रेड कलर। ओम का जो टेक्सचर्ड एरिया है, जिस एरिया में हमने टेक्सचर लिया हुआ है टेक्सचर्ड आर्ट के ऊपर रेड यूज़ करेंगे उसके बाद। तो फटाफट से इसको हम, बड़े बड़े ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे ताकि एप्लीकेशन में ईजी हो, क्योंकि एरिया थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से आपके ऊपर रहेगा। कोई भी आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, फ्लैट, अगर आप फ्लैट यूज़ करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है ओके। तो यहाँ पे फटाफट से हो गया एप्लीकेशन, हम देख सकते हो बैकग्राउंड कितना अच्छा सा आपको, मतलब एक ग्लो आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक रेड कलर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी कलर, दूसरा पिंक कलर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे राइट। यहाँ पर मैंने रेड फटाफट से अप्लाई कर लिया है, तो अभी देखिए थोड़ा सा आपको, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे किस तरीके से आपको दिखेगा ये एक्चुअल में। फिजिकली भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही एक बहुत अच्छा सा वाइब दे रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे।
एंड देखिए फाइनल रिजल्ट अभी देखने वाले हैं हम कि बहुत ही सिंपल लगा हमें, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अभी देखिए बहुत ही डिसेंट आपको लग रहा होगा एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस कलर्स को यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी दूसरा कलर आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको बना सकते हो। तो फाइनली मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।